अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पे आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश मेश्राम जी, यहाँ के मंडलायुक्त अमित गुप्ता जी, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इको टूरिज्म श्री चौधरी जी, मंच पर मौजूद अन्य हमारे गणमान्य अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे तमाम सारे वन विभाग के अधिकारी, देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। वन हमारी संस्कृति का एक बहुत ही मुख्य अंग है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे ग्रंथ, चाहे वो पुराण हो, इतिहास हो, वेद हो, उपनिषद हो, ये सारे के सारे वनों में इनकी रचना हुई थी। इनफैक्ट जब पहले बार वेद धरती पर आए, जो कि भगवान की वाणी के रूप में स्वतः आए, उसका पहला वाचन नैमिषारण्य, आपने नाम सुना होगा सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य, जहां पे स्वयं तमाम सारे देश के ऋषि महर्षि मुनियों को बुला करके उनको वेद के उनका अध्ययन कराया गया, जिसके माध्यम से वो पूरे देश में जगह जगह जाकर के उस देववाणी को लोगों तक पहुंचा सके। आपने रामायण को पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, वहां पे दंडकारण्य, जो कि तमाम सारे जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान राम जो वन गमन करते हैं और उस वन गमन के दौरान तमाम सारी उनकी जो लीलाएं हैं, उस दंडकारण्य जो कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये पूरा का पूरा इलाका दंडकारण्य के रूप में प्रसिद्ध था। जो हमारा अध्ययन होता था सारे के सारे वन में, हमारे गुरु उस वन संस्कृति में, जो कि एक प्रकार से पूरा का पूरा, चाहे वो कृषि हो, वन हो, पशु पक्षी हो, हर एक के साथ रह करके अध्ययन करने का एक अलग ही किस्म की व्यवस्था हुआ करती थी। तो वन तो हमारी जिंदगी का एक बहुत अभिन्न अंग है और वो हमारी संस्कृति को हमारी पली बढ़ी और बनी हुई है, जिसको 2012 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ के द्वारा विश्व वन दिवस के रूप में मनाया गया, मनाए जाने का निर्णय लिया गया। और आज पूरे विश्व भर में वन के माध्यम से प्रकृति के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इसको जगह जगह मनाया जाता है। इनफैक्ट वन में जो आपने अभी यहाँ पे वृक्षों को, जो ये एक मियावाकी फॉरेस्ट के साथ तीन वृक्ष, पीपल, पाकड़ और वट वृक्ष, इन तीनों का एक त्रयी यहाँ पे जो पौधारोपण किया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उसको पौधारोपण करने का। इसके बारे में हमारी प्रार्थना है, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु, यानी मूल में तो ब्रह्मा निवास करते हैं और त्वचा में विष्णु निवास करते हैं। शाखे शाखे महेश्वर, उसके हर शाखा में भगवान शिव, जैसे भगवान शिव की लटाएं होती है, वैसे शाखे शाखे महेश्वर, पत्रे पत्रे तु देवानाम, उसके पत्ते पत्ते में सारी देवी देवताएं वास करते हैं। नमस्ते तुभ्य वनराज, मैं अंतिम सब भूल रहा हूं, है क्योंकि ये इसका मतलब हुआ कि वहां पे जो हमारा पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष में मूल में तो ब्रह्मा, उसके त्वचा में विष्णु, शाखाओं में भगवान महेश्वर और पत्ते पत्ते में देवी देवता होते हुए ऐसे महान वृक्ष को मैं प्रणाम करता हूं, ये हमारी प्रार्थना होती है। ये हमारी वन संस्कृति थी और इसीलिए आज अगर वन को बचाना है तो हमारे संस्कृति को बचाने के लिए वन को बचाने की भी आवश्यकता है।
मुझे खुशी हो रही है आज यहाँ पे आकर के। वैसे जैसे कि अगर एक बच्चा अपने एक पिता अपने बच्चे को देखता है बहुत आगे बढ़ते हुए, एक गुरु अपने शिष्य को देखता हुआ आगे बढ़ते हुए अगर देखता है, उसे मन से इतनी खुशी होती है जिसका बयान नहीं कर सकते। ताज नेचर वॉक आप जानना चाहते हैं कि मुझे बताया चौधरी जी ने कि ताज नेचर वॉक का मैंने शुभारंभ किया। क्यों शुभारंभ किया? जब मैं 1996 में यहां पे जिलाधिकारी के रूप में आया था, उसके पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष सचिव पर्यटन हुआ करता था। पर्यटन, नागरिक उड्डयन और खेल, ये तीन विभाग में देखा करता था। जब यहां पे आया और उसके बाद एक एमसी मेहता का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस एमसी मेहता केस में हर तीन महीने में एक सुप्रीम कोर्ट की पूरी पूरी टीम आया करती थी। मैं नवंबर 1996 में आया, मुझे ख्याल है जनवरी में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की टीम आने वाली थी, और लोगों ने मुझे डराया धमकाया कि भाई कलेक्टर साहब आपको जाके पहले देखना पड़ेगा, अगर कोई पेड़ मर गया हो तो उसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट से आपको डांट पड़ेगी, और वैसे वैसे बहुत सारी बातें। वो एमसी मेहता साहब खुद आते हैं जैसे कि वो कोई बाघ जैसे खा जाएंगे आपको, ऐसी ऐसी बातें मुझे की गई कि जब आते थे तो उससे लेकर के बहुत सारे किस्म के लोगों को भय हो जाता था, पता नहीं क्या लिख के चले जाएंगे। तो चूंकि मुझे इस प्रकार का एक पीछे से बताया गया, तो मैं आया इसको पूरे के पूरे जो यहाँ पे प्लांटेशन हो रहे थे बीहड़ों में, आपको मालूम है जमुना के बीहड़, जमुना नदी एक सीधे धारा में नहीं बल्कि अपने रास्ते को बदलते हुए जाती है और जगह जगह बीहड़ बनाते हुए जाती है। इन बीहड़ों में मुझे घूमने का मौका मिला ताकि मैं देख सकूं कि वो एमसी मेहता की टीम आए तो हमारे प्लांट्स बचे हुए हो। लेकिन मुझे एक नई चीज दिखी, मेरे साथ जो हमारे वन विभाग के भी अधिकारी थे, मुझे ख्याल है और भी तमाम सारे अधिकारी थे, तो बाकी लोग तो केवल पेड़ देख रहे थे, मैं यहाँ पे कुछ एक नई चीज देख रहा था और एक नई चीज का सृजन हो रहा था। मुझे ध्यान आया जब मैं सिंगापुर इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, वहां पे संतोषा आइलैंड पे मैंने ग्रेट ड्रैगन वॉक की थी, और ग्रेट ड्रैगन वॉक में, क्योंकि सिंगापुर का जो निशान होता है ड्रैगन होता है, उस ड्रैगन वॉक में मैंने जगह जगह तमाम सारी चीजें देखी थी और देख के बहुत प्रसन्न हुआ था। मन में आता कि कभी मौका मिलेगा अपने देश में भी मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं न केवल इस फॉरेस्ट को देख रहा हूं, इस प्लांटेशन को देख रहा हूं, मैं एक नया क्रिएट करने जा रहा हूं, उसका नाम मैंने रखा ताज नेचर वॉक। हमारे उस समय डीएफओ हुआ करते थे वीके शर्मा, जो मेरे बैचमेट थे, हमारे ही बैच के थे, बाद में एनएसआई में चले गए। यहाँ के कंजर्वेटर फॉरेस्ट हुआ करते थे सरदार थे इकबाल सिंह जी हुआ करते थे, इन लोगों ने बुलाया और इनको बुला के मैंने इनसे बात की कि भाई प्लांटेशन तो आप कर ही रहे हो, साथ ही साथ ऐसा कुछ बनाओ कि एक अस्थाई ऐसी चीज बने जिससे जो आगरा में जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें न केवल ताज का दर्शन हो बल्कि नेचर का दर्शन हो, वो हमारे संस्कृति का दर्शन हो, उसको समझ सकें कि ताज के साथ साथ इस एक नई चीज को लेके जा रहे हैं। और ताज का ऐसा रूप, मैं सच बताता हूं, मैं उस समय 1996-97 की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा ताज का ऐसा रूप आगरा वालों ने दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। आज तो आप बड़े छोटे से रास्ते से आए, मैं पूरे के पूरे इस पूरे इलाके को घूमा और जगह जगह से ताजमहल के जगह जगह से ताजमहल के अलग अलग रूप, कभी अलग से कुछ थोड़ा सा भाग, कोई थोड़ा सा भाग, कोई और भाग, क्योंकि ये लगभग इसके ताज के इस तरह से सर्कल करता है। वो ताज शाम का अलग ताज, सुबह का अलग ताज, दोपहरिया का अलग ताज, और आजादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं कलेक्टर प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने खजाने से वो निकाले, मेरे पास वो पुस्तक जरूर होगी, कहीं कहां पड़ी है मुझे ध्यान नहीं है। मैंने यहां लोगों से कॉम्पिटिशन कराया था इस पूरे क्षेत्र में कौन कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जो अनजान है। आप तो भगत सिंह के बारे में जानते हैं, आजाद के बारे में जानते हैं, गांधी जी को जानते हैं, लोकमान्य तिलक को जानते हैं, लेकिन ये जो सितारे थे, केवल इन सितारों से ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम जाने अनजाने किस्म के लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व समाप्त कर दिया था, तब जाकर के हमारे देश को आजादी मिली थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरा मुझे नाम तो अभी ध्यान नहीं है, इतने साल हो गए, 26-27 साल हो गए, पूरी एक किताब मैंने बनाई थी
आगरा में भाग लेने वाले भूले बिसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या वो कुछ और भी नाम रहा होगा, अब इसमें मुझे स्मरण नहीं, लेकिन मैं प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जरूर इसको ढूंढे, वो पुस्तक मिलेगी और उस पुस्तक में हर एक के बारे में, और उसका एडिटिंग मैंने खुद किया था, मैंने बैठ करके, चूंकि मुझे खुद रचना में बहुत खुशी होती है, लिखने पढ़ने का शौक है बचपन से, तो मैंने खुद ही एडिटिंग की थी और वो पुस्तक जो बनी थी, मैं कहूंगा कि इससे हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय है हमें उन तमाम सारे लोगों को याद करने का जिनकी वजह से हम चैन की सांस ले रहे हैं, एक आजाद देश का हम लोग ऐसे आनंद ले रहे हैं जो शायद 1947 के पहले नहीं था। तो पांचवा मौन मेरा था आजादी के उन तमाम सारे दीवानों को, उनको वहां स्थापित करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसके लिए फिर फंडिंग कहां से होगी, कैसे फंड करेंगे? मैंने वीके शर्मा के, चिंता मत करो, फंड्स कलेक्टर कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। और मुझे ख्याल है कि हमने जो पथकर शुरू किया, पथकर का पहला फंडिंग मैंने वीके शर्मा को यहाँ के लिए किया कि पहला काम हम ताज नेचर वॉक पे करेंगे, और एक छोटे से रूप पे वो शुरुआत हो गया था माउंट पे घूम घूम करके, हम यहाँ ये करेंगे, ये रास्ता होगा। इस प्रकार से हम लोग तमाम सारे वन्य जीवों के बारे में, कोई बर्ड्स है जैसे कि हमें अभी चौधरी जी ने गिफ्ट किया ये बर्ड्स के बारे में, ये बर्ड है, इसकी तस्वीर होगी और तस्वीर के नीचे इसका छोटा सा बयान होगा कि हमारे यहाँ पे कहाँ मिलता है, देश में कहाँ मिलती है, पक्षी मिलती है। या हमारे जानवर होंगे जो तमाम किस्म के जानवर है। आशा करूंगा आप इस मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाइए, भगवान आपके साथ होंगे। जय हिंद, जय भारत।